Assalamu alaikum viewers, welcome back to Maruf Official. How are you all? I hope you all are fine. तो व्यूअर्स काफ़ी देर हो गया, मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग अपलोड करूँ. तो मैंने जाना है अपने एडमिशन के लिए, मतलब मैं गई थी वहाँ पर टेस्ट देने, एडमिशन टेस्ट. तो मेरा पास हो गया और स्कूल से कॉल आ गई है कि आप आके एडमिशन करवा लें. और कल मैं मामा के साथ एडमिशन करवाने गई, तो सीन कुछ यूँ हुआ कि हम अपना प्रोस्पेक्टस घर भूल गए थे, जिसके ऊपर एक फॉर्म था और वो हमने देखा ही नहीं, वो फिल करना था. तो उन्होंने हमें वापस इसी तरह भेज दिया कि आप कल वो लेके आएँ. और आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मैंने कहा आज रहे थे कल चलेंगे, तो आज घर बैठ के मैं फॉर्म फिल करूँगी, आपको दिखाऊँगी. तो अब देखते हैं मामा क्या कहेंगे. मैं कि मामा को अभी रुक जाते हैं, मामा मेरा ख्याल है, फोन पर बात करनी है, तभी हम देखते हैं बाहर सब क्या हो रहा है. मैं लगी ये है मेरा एडमिशन फॉर्म, ये भी ऐसे देखते हैं आप. ये है एडमिशन फॉर्म जो कि अभी फिल करना है मैंने, देख सकते हैं आप. यहाँ आएगी क्लास, यहाँ आएगा कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर साइंस वगैरह, यहाँ कंप्यूटर साइंस आएगा, यहाँ मेरा नाम इंग्लिश में आएगा, यहाँ मेरा नाम उर्दू में आएगा, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आएगा कि मैं फीमेल हूँ कि मेल हूँ, और यहाँ पे आएगा फादर गार्डियन नेम, और यहाँ पे CNIC नंबर, यहाँ फादर ऑक्यूपेशन, ईमेल अपनी पेरेंट की ईमेल, नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, तो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन था एजुकेटर, प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूँगी, उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी लिख देंगे, रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, नेशनैलिटी पाकिस्तान, मोबाइल अपनी मामा का नंबर लिखना है, यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, 6 क्लास में, कौन सी क्लास साल में किए मैंने, 22 में, और 7 में, 23 में, 8, 24 में, नहीं पता नहीं 21 में किए, 6 21 23, हाँ 21 में 6 किए. उसके बाद यहाँ पे और भी बच्ची, तो ये भी मैंने फिल करना है. तो मामा कहती फिल करते करते लोग भी एक बन जाएगा. तो अब मैं अंदर जाके दिखाती हूँ, ऊपर छत से कपड़े आए हैं जो कि मैंने तय करने हैं डालने, मुझे खुद भी नहीं पता, देखते हैं मैं शीशे में कैसे लग रही हूँ. हेलो मार्क ऑफिशियल, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन. तो वैसे कपड़े मैंने तय करने हैं कि नहीं, मैं छत से नहीं ला सकती क्योंकि मुझे छत पे जाना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा व्यूअर्स, क्योंकि वहाँ पे अगर कभी कभी भी धूप जरा से निकले उसकी स्मेल ना मुझे बहुत अजीब लगती है, और वैसे मुझे छत पर जाना बिल्कुल पसंद है. और आउटिंग सिर्फ जगह हो लाइक रेस्टोरेंट हो या जो आइलैंड इस टाइप की जगह हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विंटरलैंड, यहाँ सब मैं चीज़ें भी थोड़ा खा लूँ, वरना मेरी मम्मी ने आके मुझे बड़ा ही ज़्यादा गांठ लें. ये एक परफ्यूम है जो कि मैं लगाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, असल में ये मेरा है भी नहीं, ये मामा को, आई मीन मामा को मेरी सिस्टर ने दिया था, उनको आया था ये, उन्होंने एक जगह से ऑर्डर मंगवाया था तो ये उन्होंने गिफ्ट भेजा था. और ये न्यू फ्रेंड लवली आई है, ये मामा लगाती हैं, मामा से ज़्यादा ये वैसे मेरी सिस्टर लगाती हैं, मामा को तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है. और ये मेरा परफ्यूम है, अगर आप लोगों को कभी भी किसी व्लॉग में ढक्कन के बगैर परफ्यूम नज़र आए तो समझ जाएगा कि ये 1 & only मेरा परफ्यूम है, क्योंकि मेरे से हर परफ्यूम का कैप ना मिसप्लेस हो जाता है, और इसका भी मिसप्लेस है, और इसका भी मैंने मिसप्लेस किया हुआ है. इसके बाद ये है लोशन, ये बाबा ने भेजा था, और लोशन भी नहीं मैं लगाती. और ये कोल्ड ड्रिंक है, क्या नाम है इसका, फिज़ नेक्स, ये मेरी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कब आई है, मामा की होगी. उसके बाद ये परफ्यूम है एक, ये मेरी सिस्टर के, इसका कैप उसकी जगह पे ही है. और ये है, आप नज़र आ सकते हैं, फिशर क्लींजर, ये भी बहुत अच्छा है, भी मेरे बाबा ने पूछा. उसके बाद ये मुझे टिश्यू बॉक्स कम और मिस्ट्री बॉक्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें टिश्यू तो मैं ज़्यादा डाल दूँगी. अब ये देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है, लेट्स सी. ये एक पोनी, ये सिम कार्ड, ये पैसे, ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, पिन्स, ये ब्रेसलेट, सेफ्टी पिन, पता नहीं क्या क्या मिलेगा. आप मैं कह रही हूँ मिस्ट्री बॉक्स, मैं इसका नाम ही मिस्ट्री बॉक्स रखा हुआ है, टिश्यू तो ख़त्म हो जाता है ना, तो ये इसी काम में रहता है. अंदर तो कुछ नहीं, नहीं मुझे उम्मीद थी कि अंदर भी कुछ होगा लेकिन नहीं निकला, तो मैं हैरान हूँ. और व्यूअर्स प्लीज़ 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 वेट अ मिनट, प्लीज़ फॉलो मी ऑन स्नैपचैट, आईडी का नाम मैं नीचे लिख देती हूँ. वैसे मारुख 2, एक मेरी पब्लिक है, एक प्राइवेट है, प्राइवेट पे फॉर स्ट्रीक्स, और पब्लिक क्या आप लोग मुझे फॉलो करें, पब्लिक का है मारुख लिख के नीचे लिखे आ भी रही है 2023-4392, प्राइवेट वो आप लोगों को लगा करेंगे. ये है मेरी पब्लिक, उससे नीचे चल के देखती हूँ कि मामा क्या कर रही हैं.
हाँ मैं अपना फेस रिवील नहीं करती, वैसे अच्छी बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना एडमिशन फॉर्म फिल, जिसमें फर्स्ट में लिखना है क्लास, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट साइंस के बायो के कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे लिखना है अपना नेम उर्दू में, इन उर्दू अपनी कौमी जुबान आई मीन। उसके बाद मदर लैंग्वेज में लिखना है, उसके बाद लिखना है कि मेल के फीमेल, ऑब्वियसली आई एम फीमेल। उसके बाद अपने बाबा का नाम लिखना है, इसके आगे मैंने यू किया गया आर और एल इसलिए निकाला कि मुझे वैसे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर ले, बहुत मिस्टेक्स होती हैं कि बेफॉर्म में क्या है इसलिए। तो यहाँ पे लिखना है अपना रिलीजन और अपनी नेशनलिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, और नेशनलिटी पाकिस्तानी। यहाँ लिखना है कि सिक्स क्लास किस ईयर में किया, 2021 में, सेवन किस में किया, 2022 में, किस में किया, 2023 में। और यहाँ पे लिखना है कि 2021 किस स्कूल में किया, दियर कम स्कूल में, यहाँ पे ये मेंशन करना है। और आगे लिखना है कि सिक्स क्लास के फाइनल में क्या परसेंटेज आई थी, तब मेरी ये आई थी परसेंटेज 98। फिर लिखना है कि सेवन क्लास मैंने कौन से स्कूल में पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी है दी एजुकेटर स्कूल में। और अब ये लिखना है कि दी एजुकेटर स्कूल में सेवन क्लास के फाइनल में क्या आई थी, तब आई थी मेरी 96%। और एट क्लास में मेरी आई थी दी एजुकेटर। लिखना है सबसे पहले यहाँ पे भी एज़ यूजुअल लिख लेना है दी एजुकेटर्स, और उसके बाद लिखना है कि मेरी क्या आई थी। तो व्यूअर्स घर आके मैंने पी थी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं बना रही थी उसका मटेरियल। तो मुझे वैसे हॉट कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड नहीं पसंद। और यहाँ पे हमें गिफ्ट में आई थी चॉकलेट्स, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। ये चॉकलेट्स आई हैं मुझे, ये वाली हैं, ये दो पोर्शंस थे और दोनों में सेम फ्लेवर थे चॉकलेट्स के। और मुझे तो चॉकलेट्स वैसे ही बहुत पसंद है, आई लव चॉकलेट्स, लेकिन सबसे जो फेवरेट मेरी चॉकलेट है मेरी तो किट कैट और बॉन्डी है। और आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग कमेंट्स में बताएं। मुझे गैलेक्सी भी काफ़ी अच्छी लगती है, बस उसकी एक रीज़न ये है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, वो एक वक्त में खाई भी नहीं जाती। ये वीडियो में क्लिप मैंने बाद में डाल दी है, वो पहले डाल दी है, तो ज़रा इसको इग्नोर करें। तो ये मैंने सबसे पहले कार्ड दिया हुआ था, चॉकलेट्स तो अच्छी हैं। बाहर आप लोग भी जो कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आप लोगों की फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। जैसे मैंने बताया कि मेरी फेवरेट दो हैं, तो ये कार्ड था मैंने बताया हुआ था इसकी डिटेल्स, और ये थी चॉकलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था टू पोर्शंस हैं, तो ये टू पोर्शंस थे। तो मेरी खांसी अपनी भी अपनी जगह, मेरी कफ, मुझे बहुत ही ज़्यादा कफ हुई हुई है। और मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग की थी इसकी, जो कि पहले लगानी थी मैंने बाद में लगा दी। इसमें जो सबसे मज़े की चॉकलेट थी वो थी जो वाइट वाले के फ्रंट में है ब्राउन, ये बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी मीठी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। और ये जो आ रही है पिंक वाली के ब्राउन वाले की राइट साइड पे, ये भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ एक बार से लाया था जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं अपलोड करने का टाइम नहीं मिला मुझे ना एडिट करने का, तो मैंने सोचा कि मैं किसी व्लॉग में दिखा दूँगी। तो ये जो भी सामान आया था मामा का था, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर मामा ने क्या मंगवाया है। वैसे बहुत ही कोई पतली सी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि मैं भी पता नहीं क्या है। ओ माय गॉड, ये है व्यूअर्स पासपोर्ट, ये मैं अनबॉक्सिंग करी, मुझे उस वक्त भी मामा ने नहीं बताया था, और ना ही मुझे बेवकूफ़ को ख़ुद पता चला था, मुझे बाद में मामा ने बताया जब मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। मामा ने कहा देख लेना, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो ये है जिसमें हम पासपोर्ट रख सकते हैं, मामा ने अपने लिए मंगवाया है। मामा लास्ट ईयर भी गई थी ना, तो उनको पासपोर्ट का इशू रहा था, वो हैंडबैग में रखती थी, तो कहती थी मे बी मिसप्लेस ना, वजह खुदा ना खास्ता है। तो इस बार उन्होंने ये मंगवाया, दिस गर्ल वाज बोर्न टू सी द वर्ल्ड, और ये कुर्ता बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर कमेंट। अल्लाह हाफिज़।